हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रिवर्सल ऑफिशियल। आज हम लोग बात करने वाले नेटो मार्केटिंग के बारे में। नेटो मार्केटिंग के बारे में मैं पहले भी बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं, बहुत सारी ट्रेनिंग में दे चुका हूं। नेटो मार्केटिंग में क्लोजिंग कैसे करें, लिस्ट कैसे बनाएं, किसी भी व्यक्ति को प्लान कैसे दिखाएं, हर एक चीज जो भी आप सोच सकते हैं, जिस चीज की आपको जरूरत है नेटो मार्केटिंग में आगे बढ़ने के लिए, सभी टॉपिक्स में मैं ऑलमोस्ट वीडियोस बना चुका हूं। वीडियो देखना चाहते हैं, प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं इस वीडियो के बाद, क्योंकि ये वीडियो भी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। कैसे स्पेशल होने वाला है पहले उसको समझते हैं। अगर मैं बात करूं इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूं, पहला नेटो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा इसके अंदर जो काम करते हैं लोग उनको किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, तो एंड तक बने रहना, इंपॉर्टेंट क्यों है। जो भी व्यक्ति नेटो मार्केटिंग के अंदर काम करता है, कंपनी कोई भी हो, उसका सपना एक ही होता है, उस कंपनी का टॉप लेवल अचीव करना। तो आप लोग शॉर्ट टर्म के अंदर, 6 महीने 1 साल के अंदर कैसे किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी का टॉप लेवल अचीव कर सकते हैं, उस चीज के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज, कॉन्सेप्ट क्या है नेटो मार्केटिंग। देखिए, अगर हम बात करें नेटो मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट की, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मान लीजिए हम कोलगेट का एग्जांपल लेते हैं। मैं ये एग्जांपल क्यों ले रहा हूं, क्योंकि इससे को समझना बहुत आसान है। सबसे पहली चीज कोलगेट का एग्जांपल लेते हैं। कोलगेट की जो कंपनी है, ठीक है, हिंदुस्तान लीवर, वो क्या करती है, सेलिब्रिटीज को पैसा देती है और अपना एडवर्टाइजमेंट टीवी के ऊपर चलाती है, राइट। जो भी उसका टर्नओवर होता है 5% 6% का वो लगा देती है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, 10% जो भी उसका टर्नओवर है, राइट। उसी तरीके से अगर हम बात करें नेटो मार्केटिंग की, नेटो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि पैसा देकर के एडवर्टाइजमेंट करा जाए। यहाँ का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे क्या करती है, जो कंपनीज होती है वो लोगों का नेटवर्क बनाती है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, दूसरे से तीसरे, रेफरल बेस्ड बिजनेस करती है। तो उस कंपनी का जो एडवर्टाइजमेंट का पैसा लगना था, वहां पे अगर वो 10% खर्च कर रही है, तो वो क्या करती है, 10% की जगह 8% उन लोगों को दे देती है जो उसके प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, नेटवर्क बना रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। तो 2% फिर भी कंपनी का मुनाफा हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट सिंपल है, प्रोडक्ट ही बेचना है, मार्केटिंग ही करनी है, लेकिन नेटवर्क बना करके करते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, और बहुत सारे लोग इसके बारे में पहले से जानते भी होंगे, नो प्रॉब्लम। अब हम बात करते हैं इसके अंदर काम कैसे करना होता है। देखिए, सिंपल है, आपको जो कंपनी बोलती है वो एक ही चीज बोलती है, जो कंपनी के ट्रेनिंग होते हैं या फिर जो आपके अपलाइन आपको सिखाते हैं वो एक चीज बोलते हैं कि आप क्या करिए, पहले खुद का सामान खरीदिए। आपके घर में जो भी सामान आ रहा है बाहर की कंपनीज का, जो आप सामान यूज कर रहे हो उसको रिप्लेस कर दीजिए। रिप्लेस करके आप क्या करिए, इस कंपनी का सामान खरीद लीजिए, और इसी कंपनी का सामान आपको क्या करना है, आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स जो भी है ना, आपके रिलेटिव्स, आपके नेबर्स, उन सभी को इस कंपनी का सामान आप उनको दीजिए, उनके दुकान भी रिप्लेस करा दीजिए। तो ये आपके अपलाइन काम करने के लिए बोलते हैं। करना कैसे चाहिए वो हम आगे बात करेंगे, है ना। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज को हम समझते हैं। सबसे पहली चीज, अगर हम बात करें कि हम लोगों का क्या करना है, अपनी दुकान रिप्लेस करनी है, हमें यही बोला जाता है ना, आपके अपनी शॉप रिप्लेस कर लीजिए, है ना। अपना सामान जो आपके घर में आ रहा है, अगर किसी एक्स वाई जेड कंपनी का आ रहा है तो आप इस कंपनी का ले लीजिए, राइट। तो इस तरीके से हमें बोला जाता है, और अपने दोस्तों की भी रिप्लेस करा लीजिए, अपने पड़ोसी रिश्तेदार सबकी दुकानें रिप्लेस करा दीजिए। तो ये काम हमें करने के लिए बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। अब प्रॉब्लम क्या आती है, हमने दुकान रिप्लेस कर ली, हमने 10 15 20 लोगों की दुकान रिप्लेस भी करा ली, लेकिन अपनी दुकान में तो हम परमानेंट ठहरे रह सकते हैं, हम तो अपना सामान परमानेंट कंपनी से ले सकते हैं, लेकिन जिन लोगों की दुकान हमने रिप्लेस कराई है उनको प्रोडक्ट बहुत महंगा लग रहा है। उन लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि वो लोग ना कंटिन्यूअसली नहीं ले सकते, उनकी जेब से पैसा एक्स्ट्रा जा रहा है। तो कुछ आएंगे कुछ जाएंगे, 10 लोग आए, 10 में से 9 लोग वापस चले गए अपनी पहले वाली दुकान पे, क्योंकि वहां पे उनको सस्ता मिल रहा था। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यस और नो, आपके साथ भी ऐसा हो रहा होगा ना, अगर हो रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए कि मेरे साथ भी होता है। मैं अब आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एक्चुअली में आप लोग अपना एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट करके किसी भी कंपनी का, बड़ी से बड़ी कंपनी का टॉप लेवल न्यूज उठकियों में हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि हमने जो कंपनी ज्वाइन करी है वो हमने ज्वाइन क्यों करी है। क्या हमने पैसा कमाने के लिए कंपनी को ज्वाइन किया है, या उस कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी को देख करके केवल और केवल एक यूजर बनने के लिए कंपनी को ज्वाइन किया है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा। अगर आप एक यूजर बनने के लिए कंपनी में आए हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोडक्ट खरीदिए, यूज करिए और दूसरों को भी रिकमेंड करिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप पैसा कमाने आए हैं और आप केवल एक यूजर बन के रह गए, आप अपने हर महीने 2,000 3,000 5,000 रुपए का सामान खरीदते हैं, जबकि वही सामान मार्केट से आपको, जो आपने कंपनी से 5,000 का खरीदा वो आपको 3,000 रुपए में मिल सकता था, फिर भी 2,000 एक्स्ट्रा दे करके अपनी लॉयलिटी सिद्ध करने के लिए कि हाँ मैं कंपनी के प्रति लॉयल हूं, आप 2,000 एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो मुझे बताइए क्या आप पैसा कमा सकते हैं? आंसर इज नो, कभी नहीं कमा सकते। उसकी बजाय आप क्या कर सकते थे, आप अपना सामान जहां से ले रहे लेते रहिए,
उसके अलावा जो आपने 2000 एक्स्ट्रा कंपनी को दिए थे उस 2000 रुपए की आप अपनी एडवर्टीजमेंट कर सकते थे। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब क्या है, नेटवर्क बना करके मार्केटिंग करना, इतना तो समझ में आता है ना, इतने पढ़े लिखे तो है ना आप, नेटवर्क बना करके मार्केटिंग करना। अब अगर आप एडवर्टीजमेंट ही नहीं करेंगे, क्योंकि कंपनी तो एडवर्टीजमेंट नहीं कर रही और ना ही कंपनी एडवर्टीजमेंट का पैसा दे रही है, तो पैसा तो आप ही की पॉकेट से लगने वाला है ना, ये तो समझो। तो जो आप कंपनी को एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो उस पैसे की आप एडवर्टीजमेंट करो। एडवर्टीजमेंट से क्या होगा, लोग देखेंगे, आपके बारे में सुनेंगे, आप उनको मीटिंग में इनवाइट करिए, उन सभी लोगों को उसके बाद क्लोज करके उनको सामान बेचिए। आप सामान खरीदने, यूजर बनने नहीं आए थे कंपनी में, आप पैसा कमाने आए थे। तो इसके लिए आप अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको सामान बेचना पड़ेगा, ना कि खरीदना पड़ेगा। अब कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, अगर हम सामान खरीदेंगे ही नहीं तो फिर हमारा चेक कैसे आएगा, चेक उठाने के लिए तो हमें सामान खरीदना पड़ेगा ना, वो जितनी रिक्वायरमेंट है उतना खरीदिए। अगर आपकी कंपनी बोलती है आपको चेक उठाने के लिए 100 पॉइंट करने, जो कि 700-800 रुपए के होंगे, राइट, मान लीजिए एग्जांपल, तो आप वो 100 पॉइंट करिए ना चेक उठाने के लिए। किसने बोला है 10,000 का सामान खरीदे, 5,000 का सामान खरीदे, सब कुछ कंपनी से खरीदे, किसने बोला? आप पैसा कमाने हैं, पहले तो इस चीज को समझो। तो पैसा कमाने का सीधा सा कॉन्सेप्ट यही है कि भैया जो पैसा आप एक्स्ट्रा वेस्ट कर रहे हो, मैं इसको वेस्ट ही बोलूंगा, एक्चुअली मैं इसमें आपकी जेब में तो कुछ आ नहीं रहा, कंपनी का 3,000 का सामान हर महीने बिक रहा है ना, उसको तो क्या चाहिए था कंपनी को आपसे कोई लेना देना नहीं, कंपनी आपको पैसा कब देती है आप इस चीज को समझो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मोटिवेशन का पर्दा आंखों से हटा करके। कंपनी आपको पैसा कब देती है, जब कंपनी का प्रोडक्ट बिक जाता है उसके बाद उसमें से कमीशन निकाल के आपको देती है। अब ये जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज होती है, अगर हम इस चीज पर बात करें, मैं किसी कंपनी को बुरा नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ आपको समझाना चाहता हूं कि भाई आप कैसे ग्रो करोगे। देखिए कंपनी का भला करना छोड़ो, अपने बारे में सोचो, क्योंकि अगर आप घर में भूखे बैठे ना, कोई भी कंपनी, कोई भी व्यक्ति आपको रोटी देने नहीं आने वाला, वो आप ही को कमानी पड़ेगी। तो उसके लिए अगर हम बात करें, देखिए मान लीजिए आप कंपनी से सामान खरीदे, अच्छी बात है, खरीदते रहिए, उसमें क्या कि कंपनी ने आपके जैसे 10-20-50,000 लोगों को इकट्ठा कर लिया, ठीक है। अब हर व्यक्ति अगर 3,000 का सामान कंपनी से खरीद रहा है, कंपनी का तो टर्नओवर अच्छा खासा हो रहा है ना, आपका टर्नओवर कितना हो रहा है, आपकी जेब में कितना पैसा आया, आप मुझे वो बताइए। तो आप अपने लिए काम करिए, कंपनी के लिए काम मत करिए। अपने लिए काम करोगे तो हमेशा फायदे में रहोगे, कंपनी के लिए काम करोगे हमेशा घाटे में रहोगे। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं और बहुत सारे लोग मेरी अकेडमी के अंदर ऐसे जुड़े हुए हैं जिनको नेटवर्क मार्केटिंग में 1 साल 2 साल 3 साल हो गए, लेकिन चेक के नाम पे अभी 2,000-3,000 रुपए का चेक है। आप मुझे बताइए 2,000-3,000 से घर चलेगा? नहीं। देखिए कंपनी टीवी के अंदर एडवर्टीजमेंट्स क्यों नहीं कराती, ये हमें क्या बताती है कि हम लोगों का भला करना चाहते हैं, लोगों को पैसा देना चाहते हैं, इसलिए टीवी के अंदर एड नहीं कर रहे, आपको पैसा दे रहे, आपको सेलिब्रिटी बना रहे। बताता हूं इसका भी राज, बताता हूं आपको। देखिए अगर टीवी के अंदर एडवर्टीजमेंट कराना होगा, पहले तो एडवर्टीजमेंट बनाने का पैसा एडवांस देना पड़ेगा, उसके अलावा टीवी के अंदर एडवर्टीजमेंट चलाने के लिए पैसा एडवांस देना पड़ेगा। वहीं पे अगर हम वापस आ जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग पे, मान लीजिए मैं किसी कंपनी का एसोसिएट हूं, तो मुझे कंपनी पैसा कब देगी, जब मैं उस कंपनी का सामान बेच दूंगा। मतलब पहले कंपनी की जेब में पैसा आया 10 रुपए, 10 में से 2 रुपए मुझे दे दिए, कोई घाटा है नहीं, तो एडवांस पैसा देने का झंझट ही खत्म है। तो ये कॉन्सेप्ट है नेटवर्क मार्केटिंग का। अब यहाँ पे ग्रो कैसे करेंगे, सीधा सीधा समझ लो, एक लाइन में समझो आप इस चीज को। मान लीजिए आप आज कंपनी से 5,000 का सामान खरीद रहे, तो भैया अगर आप यूजर बनने आए तो 5,000 का खरीदते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप यहाँ पे पैसा कमाने आए तो केवल और केवल आप क्या करो, 5,000 का सामान जो आप कंपनी से खरीद रहे हो वापस अपनी पहले वाली दुकान लाला जी की दुकान से खरीदो। उसके बाद जो आपका पैसा बचता है, 5,000 का बजट फिक्स है तो उसको फिक्स ही रखिए, जो पैसा आपका बचेगा, मान के चलो आपका 4,000 का सामान आ गया, उस सारा सामान जो 5 का ले रहे थे आप, जो 1,000 रुपए बचा, अब उस 1,000 रुपए को इंस्टाग्राम ऐड पे लगाइए, फेसबुक ऐड पे लगाइए, वहां से ज्यादा लोग आपके साथ जुड़ेंगे, ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो ज्यादा सामान बिकेगा, ज्यादा कमीशन आपकी जेब में आएगा, और जितना बड़ा नेटवर्क उतना ज्यादा सामान सेल होगा। जैसे कंपनी का देख लीजिए, एग्जांपल समझिए, कंपनी के पास 50,000 लोग है, हर एक व्यक्ति ने 2,000 का सामान खरीदा, कितने का सामान बिक गया, तो लगभग 1 करोड़ रुपए का सामान बिक गया इजीली। तो सेम आप अपने आप को एक कंपनी समझिए, एक एसोसिएट मत समझिए, आपको अपना नेटवर्क बड़ा करना है। 50,000 लोग आपकी टीम के अंदर होंगे और वो कैसे होंगे, एडवर्टीजमेंट करने से, घर बैठने से होंगे। एडवर्टीजमेंट कैसे करना है, लोगों को कैसे आकर्षित करना है, मीटिंग कैसे करनी सीखना है, मेरा नंबर दिया गया, मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको सिखाने को तैयार हूं अगर सीखना चाहते हैं तो, राइट। तो चलिए गाइस, आई होप आप सब लोग बिल्कुल पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, आपको काम कैसे करना चाहिए समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें मैं आप लोगों को बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा कि आप लोग टॉप लेवल किस तरीके से अचीव करेंगे। आई होप आप सब लोग समझदार हैं और जैसा बताया, अगर उस तरीके से करेंगे तो आप लोगों का चेक बहुत जल्दी और बहुत फास्ट तरीके से ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, हैव अ गुड डे।